नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना पूरी लंबाई इसकी 14.5 इंच ली है। तैयार लंबाई इसकी 14 इंच होगी। शोल्डर इसका 6 इंच, आर्म होल 6 इंच 2.36 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है। गले की चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे। तो गहराई में 10.5 इंच ली है। नीचे से आधा इंच छोड़ेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से गले का शेप दे देना है। यहाँ पर देखिए हमने बाहर की तरफ आधा इंच और बढ़ा दिया है। अब निशान को दूसरी साइड भी बना लेना है। तो इस तरह गले का शेप दे दिया है। अब इसे पहले सिलाई लगा लेंगे। कपड़े की सीधी वाली साइड में रखते हुए सिलाई लगा देंगे, उसके बाद इसे कट करेंगे। तो अच्छे से मिलाकर रख लेना है। उसके बाद देखिए एक पिन यहाँ पर लगा दी है। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए पूरे गले पर कट लगा देंगे। सिलाई बचाते हुए इस तरह से कट लगाना है। अब इसको देखिए इस तरह पलट कर सीधा करना है। अंदर की तरफ अस्तर को पलट देंगे, अस्तर वाले कपड़े को। पलटने के बाद गले के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह देखिए गले पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद देखिए जो कपड़ा ज़्यादा है उसे कट करके बराबर कर लेना है। तो अब देखिए इस पर डिजाइन बनाने के लिए हमने देखिए डोरी बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी वाले कपड़े से डोरी तैयार कर लेनी है और इस तरह नाप कर देखिए यहाँ पर कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको लगाना है। दोनों साइड से पहले मिला लेना है। तो यहाँ पर 3 डिजाइनें आएंगी। तो उसी हिसाब से हमने डोरी कट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर 3 डिजाइनें बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए इस तरह लगा देंगे।
तो देखिए दूसरी साइड से भी सिलाई लगा दिया है। इस तरह बराबर से हमें बना लेना है पहले, उसके बाद देखिए इस तरह सीधा कपड़ा लेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई में ज़्यादा रखनी है। अब गले पर इसको इस तरह से लगाएंगे, आधा आधा इंच की दूरी पर आधा आधा इंच की चुनर देना है और इसे देखिए एक बराबर से पूरे गले पर लगाना है, बनाना है इस डिज़ाइन को। तो चुनर तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बराबर से सभी चुनटों को बनाएंगे। तो इस तरह देखिए एक साइड में ये डिज़ाइन बन गई है। अब दूसरी साइड में इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए हमने दूसरी साइड में भी बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम पट्टी तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें देखिए और ये भी कपड़ा लेना है। तो हमने कपड़ा कट कर लिया है और पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखेंगे, जिस हिसाब से रखनी है उसी हिसाब से कपड़ा कट करना है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट कर सीधा करना है। तो इस तरह देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब इसको इस तरह से लगा देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह लगा देना है। तो देखिए दोनों साइड से लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले पर दो पॉइंट की दूरी पर पट्टी वाली गले वाली साइड से सिलाई लगानी है। इसी तरह देखिए दूसरी साइड भी लगा देना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है दोनों साइड से, बिल्कुल बराबर से सिलाइयाँ लगानी है। अब देखिए ये वाली फ्रिल जो अब बची है, इसको इस तरह इस चुनर को उठाएंगे और यहाँ पर जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ पर ले आना है, और वहीं पे पकड़ कर सिलाई लगाना है और एक मोती लगा देना है। तो इसी तरह देखिए पूरे डिज़ाइन को पूरा कर लेना है। तो देखिए हमने पूरे डिज़ाइन को बना दिया है। अब देखिए इस वाली डिज़ाइन पर दोनों साइड से एक एक मोती लगानी है।
तो इस तरह देखिए पूरे डिजाइन पर मोतियाँ लगा दी है। अभी हमारा डिजाइन बनके तैयार है, लास्ट में इसका हम प्लेट बना देंगे। तो इस तरह देखिए इसका प्लेट बना दिया है। तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।